गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है। गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है। आज मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। जिंदगी से कैसा सिखवा हो, जिंदगी से कैसा सिखवा खुद से ही शिकायत है। जिंदगी से कैसा सिखवा खुद से ही शिकायत है। जब मैं जो पूछ भी वो आपकी गर्भ में एक एक प्रकार के कुकृत्य होते जा रहे हैं जो आज भविष्य के लिए सोचना पड़ रहा है। और यह कहानी कहां की है, चार लाइन भूमिका में बतावल गई और उसके महत्व को बताती है कहानी जिसका नाम नारी है, जिसे हम नारी कहते हैं। नारी होती क्या है बतावल गई मास्टर कैसे। नारी का रूप जग में अद्भुत है यारों, नारी जो सृष्टि की शक्ति कहाती, नारी से नर हो तो नर से नारायणी, नारी आदि शक्ति जो सृष्टि चला बहन बेटी होती, नारी घर की लक्ष्मी धरा पूजी जाती, नारी तप से कापे ये धरा आसमान। सतीश कहते नारी शक्ति सत्ता हिलाती, हे बाबू नारी का स्वरूप कवि जी बताए कि नारी इस धरा की वो चीज है कि सृष्टि के हर स्वरूप पर अपना प्रभाव डालती है। यही से कहल गई कि नारी माँ है, नारी बहन है और नारी बेटी है। साहित्य ने तीन स्वरूप दिया नारियों को, स्त्री के ये तीन स्वरूप हैं। लेकिन जब मनुष्य अहंकार में डूबता है और नारी के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का कुकृत्य करता है तो एक बार नारी अपना रूप दिखाती है तो होता है क्या, गजल के भाव में लिखल गई मास्टर। जब नारी पे जुर्म होला दुर्गा काली बनया दे, जब नारी पे
के आवेले हाहाकार मचला भू पर हाहाकार मचला भू पर प्रकाल मचावे जलता मणिपुर नारी संग अत्याचार हुआ जलता मणिपुर नारी संग अत्याचार हुआ बिलखती नारी आज ये भारत शर्मसार हुआ किस लालच में सत्ताधारी चुप बैठे हैं धिक्कार है शासन को जो कातिल तन में बैठे हैं। बतावल गई सरकार को चुनौती है जो वहां पर जिस तरीके का अत्याचार हुआ बतावल गई किस लालच में सत्ताधारी चुप बैठे हैं धिक्कार है शासन को जो कातिल तन में बैठे हैं। मैं तो ही जाति जो अपने को हिंदू कहते हैं कुकी लोग इनके भय से डर के रहते हैं मन बर मैं तई सब इनके घर को फूंक दिए मन बर मैं तई सब इनके घर को फूंक दिए सरेआम रोड पर नारी की इज्जत लूट लिए सरेआम रोड पर नारी की इज्जत लूट लिए वहां पर मणिपुर की धरती पर मैतेई और कुकी जात के लोग रहते हैं वहां पर अनुसूचित जाति है कुकी के लोग और विवाद वहीं से खड़ा हुआ जातिगत भेदभाव को लेकर तो वहां पर मैतेई जो जात के लोग हैं वहां पर हाई कोर्ट ने ये घोषणा कर दी कि ये भी एसटी में शामिल हो गए। अब कहीं से उनके मन में ऐसा बढ़ावा मिला कि चढ़ाई कर दिए कुकी जात के लोगों पर आज जब चढ़ाई कैलन तो गैलन कहवा बात लिखे के पड़ल विदेशिया में कैसे मास्टर कि मणिपुर में थोपली जिला कंग पक पिए कबस्तीरा है कुकी अनुसूचित जाति का रहे परिवार रहले बुजुर्ग घर में पांच गो सदस्य रहे तीन महिला राली घर में सुंदर लालाना ए बाबू मणिपुर में मणिपुर राज्य में थोबल जिला बाप वहां कंग पोकपी नाव का एक बस्ती बे कुकी जात की लोगन का वहां वो अनुसूचित जात के लोग हमन ऐसे बस्ती बना के वो जंगल में रहत हम पहाड़ी इलाका बा वहां पर पांच सदस्यों का एक परिवार था जिसमें एक बूढ़ा था और एक नौजवान लड़का था 20 वर्ष का और एक औरत 42 साल की और 21 साल की उसकी बहन थी और एक और बूढ़ी थी जो 53 साल की थी। देखे बाबू वहीं पर चढ़ाई कर दिए ये मैतेई जात के लोग आज अब चढ़ाई कैलन बाबू तो करे का लगलन कि मारे लगल है बुजुर्ग के थाना वहां पे जाके सब
बचावे आपन जाना। ये बाबू वहीं पर घुस करके उस झोपड़ी में उनके घर में उस बुढ़े को मारना शुरू किए। और जब मारे लगन तो ये औरतें तीनों भाग गईं और वो लड़का भी भगा जो 20 वर्ष का था। तो भाग करके थाने की तरफ गए और जो थाने पर पहुंचते हैं तो हुआ क्या कि तबले पीछा करत आईले पापी ते ही घरी तीनों महिला के नंगा कईले गतरी ये बाबू थाने पर पहुंची उन तीनों महिलाओं को ये पुलिस के हाथ से छीन लिए। वो पीछा करते हुए मैतेई के लोग हथियार लिए हुए थे। अब पहुंच के बाबू देखलन कि ये सब उधर भगे हैं तो वहां पर पहुंच करके छीन लिए पुलिस से। और छीनने के बाद देखिए ये हिम्मत, दरिंदों की ये हिम्मत देखिए बाबू। छीन करके उनके हाथों से उन तीनों महिलाओं के साथ किए क्या, पीछे से उनका भीड़ समूह चल रहा था साथ में। तो कैलन का तबले पीछा कर तैले पापी ते ही घरिया हो तीनों महिला के नंगा कोईले गतरिया। तब बहिनी की रक्षा खातिर मारी दिहले गोली खून से लता फत सारी रिया। नंगा घुमावे रोड पे हाँ बसा बुझावे लगल है आ देहिया का दुर्गति कई के मारी दिहले गोलिया। ए बाबू वो नीच पापी इतनी हिम्मत देखिए कि पुलिस के हाथ से वो तीनों महिलाओं को छीन लिए और छीनने के बाद उनके सारे वस्त्र उतरवा दिए। वस्त्र उतार करके बाबू नग्न बदन कर दिए और नग्न बदन करके उन समूह को कहे कि आगे आगे तुम लोग चलो, हम लोग तुम्हारे पीछे पीछे हैं। जब आगे आगे वो तीनों महिलाएं जाए लग ली है बाबू तो वो समय जौन वो 20 बरस का लड़कवा रहे वो आके कहलस की हाथ जोड़ के कहलस की भैया भैया मेरी बहन को छोड़ दीजिए मेरी बहन को। तो उस समय बाबू वो नीच पापी उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने लगे। देख नहीं गया उस भाई को तो जब हाथ जोड़ के विनती किया बाबू, विनती अभी कर ही रहा था कि एक पापी अपनी पिस्टल उठाया और उसकी कनपट्टी पे ठोक दिया। बारी दरिंदे क्या तेरी माँ बहन बेटी नहीं है घर में, शर्म नहीं आई? आज वहीं पर तुरंत ऑन स्पॉट इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। देखिए बाबू ये हालात इस हिंदुस्तान के सारे लोगों को मालूम हो गई। ये 4 मई की घटना है, 4 मई 2023 की ये घटना है और ये जुर्म होता रहा और सरकार की आंख अभी बंद रही, किसी को नहीं चला, मुख्यमंत्री तक उस पर एक्शन नहीं लिए। 18 तारीख को रिपोर्ट लिखी गई, 4 मई की घटना 18 को रिपोर्ट लिखी गई तो भी कोई सुनवाई नहीं हुई।
धीरे धीरे समय बीतता गया, वहां पर इतना आतंक मचाए मैतेई के लोग कि घरों को फूंक दिए, घर से बेघर कर दिए कुकी के लोगों को, कुकी जात के लोगों को। लेकिन जब सरकार की आंख अभी बंद रही बाबू, तो देखिए बारे वक्त तेरी लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन इंसाफ तो जरूर होता है। समय ऐसा आया, धीरे धीरे बाबू 77 दिन बीत गया, 19 जुलाई के को ये वीडियो वायरल हो गया। और जब वीडियो वायरल हो गया तो कान खड़े हो गए सरकार के, तो हुआ क्या, ये नारियां रोड पर उतर गई कि वाह ये ऐसा हिंदुस्तान है जहां पर नारी को माँ बहन बेटी और देवी की उपमा दे करके लोग उसकी पूजा अर्चना करते हैं, अपनी गृह लक्ष्मी कहते हैं। उन नारियों की ये हालत देखिए बाबू, हाथ जोड़ करके जब सरकार सुनवाई नहीं की तो भगवान कृष्ण को अंत में याद करती हैं कि अगर दुनिया में कोई नहीं सुनेगा तो द्वापर युग का कन्हैया तो जरूर सुनेगा। हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू लेकर के माँ बहन बेटियां बाबू, उस मणिपुर की माँ बहन बेटियां रोड पर उतर गईं और मालिक से हाथ जोड़कर विनती करके कहने लगी, कहने का बहुत अच्छे भैया। रोबा तारी बहिन बेटी करली गोहरिया, रोबा तारी बहिन बेटी करली गोहरिया, मणिपुर में मां चल कर को मणिपुर में मचल हाहाकार को, का हो कन्हैया कब अब कलयुग में, का हो कन्हैया कब अब कलयुग में, द्रौपदी बन बहने लीलाचार को, का हो कन्हैया कब अब कलयुग में, द्रौपदी बन रोल लीलाचार को, का हो कन्हैया कब अब कल हे बाबू। माँ बहन बेटियां मालिक से गुहार करती हैं कि हे कन्हैया, वह द्वापर युग में द्रौपदी हरी सभा में बेआबरू हो रही थी तो आप आकर के उसकी आबरू बचा लिए मालिक, और आज आज कलयुग में कितनी द्रौपदियां उनकी आबरू लूटी जा रही है और कोई कृष्ण उनके आबरू की रक्षा के लिए नहीं आ रहा है। भगवान यही से कहे के पर कैसे, रोबतारी बहिन बेटी करली गोहरिया, मणिपुर में मचल हाहाकार हो, रोबतारी बहिन बेटी करली गोहरिया, मणिपुर में मचल हाहाकार हो, काहो कन्हैया कब अब कलयुग में, काहो कन्हैया कब अब कलयुग में, द्रौपदी बन रोवे लीलाचार को, काहो कन्हैया कब अब कलयुग में, द्रौपदी बन रोवे लीलाचार को, अब कलयुग में, द्रौपदी बन रोवे लीला। बेटी बहन कही आले जुर्म सहत रही है, बेटी बहन कही आले जुर्म सहत रही है, कही आले सुनब पुकार को, ¡Gracias!
बेटी बहन का ही आले जुर्मा साहत रही है कहीं आले सुना बापू मुकार हो पापी नीरा दाई आया ज्यादा बन के बाने पापी नीरा दाई आया ज्यादा बन के बाने आनर भाई न सरकार हो पापी नीरा दाई आया ज्यादा बन के बाने यही भगवान से अपना आंचल फैला करके धर्म का आंचल फैला करके माँ बहन बेटियां आरजू कर रही है कि हे प्रभु अबू से तयाब उठा लो प्रभु उठा लीजिए हे प्रभु अपन सुदर्शन चक्र उठा लो अब नहीं तो नारी का आबरू बांचे ना पाई प्रभु आखिर ये माँ बहन बेटी कैसे जिंदगी जिएंगी अभी तक वो पापी अत्याचारी कैद नहीं हुए पकड़ा नहीं गया ये कैसा शासन है देखें बाबू आंखों में आंसू लेकर के भगवान को एक बार विनती करते हुए कहती कि हे प्रभु अगर हम लोगों के त्याग तपस्या में सच्चाई है तो एक बार आप एक काम कर दीजिए स्वागत का वाणी सुदर्शन चलावा ये कन्हैया चक्र सुदर्शन चलावा ये कन्हैया सहल नहीं जाला अत्याचार के जैसे ग्राह मर के गज के उबरला जैसे ग्राह मर के गज के उबरला मारे यही सत्ता सरकार के माँ बहन बेटी रोड पर उतर करके आज नारियों को कम मत समझे बाबू ये नारी का बिलाप कभी समय था कि नारियों की कीमत रखने के लिए मैथिली शरण गुप्त जी लिखे कि अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी आंचल में दूध आंखों में पानी अब नारी कहती है के मालिक अब नारी कभी अबला नहीं बन सकती वो अपना हक लेने के लिए तैयार है अगर जितना पुरुष का हक है उतना स्त्री का भी हक है अर्धांगिनी कही जाती है तो हम अपना हक लेने के लिए जहां तक लड़ाई लड़नी होगी हम सरकार के पास जाएंगे लेकिन आज पश्चाताप से उनके जुबान से बात आ रही है कि जिन महापुरुषों ने हमारे इस भारत भूमि को सोने की चिड़िया का रूप देकर के संवार करके इतिहास के पन्नों में नाम अंकित किया है एक बार उनके बारे में सोचे के प्रतिभा ये नारी की आबरू को लेकर के वह गीत लागिल मास्टर कैसे वाह देखें ये मां बहन बेटियों की आवाज है अहिंसा सत्य बीज केहू बोई की नगीन अहिंसा सत्य बीज केहू बोई की नगीन भारत की अस्मिता का रक्षा होई की नहीं अहिंसा सत्य बीज केहू बोई की नगीन सत्य बीज के हूँ कोई की नहीं भारत की अस्मिता कर रक्षा रोती है बहन बेटियां रोता है आज गरीब रोती
संस्कार रो पड़ा है आज रोवे बदनसीब। संस्कार रो पड़ा है आज रोवे बदनसीब। रोवे प्रजा अम्बेडकर गांधी होई कि नहीं। रोवे प्रजा अम्बेडकर गांधी होई कि नहीं। भारत की अस्मिता की रक्षा होई कि नहीं। बाबू ये लगा है भीतर हलचल चल रही है कि आज हमारा भारत की सोच क्या होती जा रही है। मेरा राजा कैसा है और प्रजा कैसी है। गौतम बुद्ध ने पहले से ही इस बात को संदेश दिया। जैसे राजा की स्थिति होती है, राजा की जैसी सोच होती है, उसी तरह से उस प्रकृति के फल भी उसके अनुसार होना शुरू कर देते हैं और प्रजा भी उसका दुख और सुख सहन करना शुरू कर देती है। अगर राजा क्रोधी और अन्यायी होता है तो उसके राज्य के सारे फल कड़वे लगना शुरू हो जाते हैं। और राजा न्यायप्रिय होता है, प्रजा का हितकारी होता है, तो सारे फल मीठे लगने लगते हैं। बारे तो आज सोचना पड़ रहा है कि आज नारियों की दशा चिंतनीय है, क्योंकि ये निंदनीय कार्य हो रहा है। यही से लिखे के पढ़ल टेरी में बात मास्टर कैसे। कि अरे मानवता शर्मसार हो गईल तो बिलख का प्रजा रो रही सत्ता को धिक्कार। ए बाबू तो कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक भाषण था क्या, कि अब अच्छे दिन यहाँ आएंगे, अब अच्छे दिन यहाँ आएंगे। मोदी का ऐसा कहना है और नहीं चाहिए अच्छे दिन जब घूंट घूंट के रहना है। तो राजा ईश्वर का रूप होवे, राजा ईश्वर का रूप होवे, अब रूप मानव का गहना है। अरे अच्छे दिन के ख्वाबों में डूब कब तक जुर्म को सहना है, अरे कब तक जुर्म को सहना है। ये बाबू सबके दिल में हदस है, जैसन राज जेकर राज ओकर दोहाई। ये नियम है कि राजा जैसा शासन चलाएगा, जैसा आदेश करेगा, प्रजा उसका भुक्त भोगी होगी। तो ये कहना है अल्लाह के बात में लिखल गेल कैसे मास्टर। कि अरे बन के ज्वालामुखी जरे, कि बन के ज्वालामुखी जरे मणिपुर धरती आए भैया। दरिंदा पापी घर बाजर है भैया, कैसे जी है नारी गरीब बेबस लाचार। करा से कोइल जाई, के करा से कोइल जाई न्याय के गोहरिया है बाबू। देखी के हालत
बन के सत्ताधारी झूठा, बन के सत्ताधारी झूठा कर लल भसण भले भैया। ए बाबू, 4 मई की घटना और अभी तक कोई उपाय नहीं हुआ, कोई न्याय नहीं मिला सरकार से। सिर्फ भाषण में नेता मंत्री कह रहे हैं कि जो भी जुर्मी है, जो भी कातिल है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। खाली यह भाषण दिहल जात बा नेता मंत्री लोगन का। आखिर ऐसे कब तक काम चली? जेकर परिवार उजड़ गई, जेकर घर द्वार जला दिहल गई, आखिर वो किस राजा से गुहार करे? ए बाबू, यही से नारी अपन रौद्र रूप अपनाई झलस। देखे यहां तक कि नगा समुदाय के लोग काला वस्त्र पहन करके, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सारे लोग काला ड्रेस पहन करके, पैंट शर्ट जो जैसा ड्रेस पहनता है, सब लोग काला ड्रेस पहन करके, बूढ़ा जवान सभी लोग और लड़के सब रोड पर उतर गए कि हम लोग न्याय की गुहार सरकार से करेंगे। और क्योंकि ऐसे ही आज एक प्रांत जला, कल दूसरा प्रांत जलेगा, गरीब कैसे रहेगा? और कहते हैं कि हम गरीबों के नेता हैं। यही से बाबू नारी कहे कि मुझे अबला का रूप नहीं लेना है। अब हम लोग भी इसके लिए तटस्थ है। वह सदर अल्लाह में लिखल गिल कैसे मास्टर, कि नारी का शिक्षा नारी शक्ति के जगावे, नारी का शिक्षा नारी शक्ति के जगावे, नारी रौद्र रूप अपन निहाली बना, कहिया ल नारी से पपियन के जुर्मावा, जंतर मंतर धरना दे के मांगा नारी न्याय, रोटा वापे सूत के धूप में हो नारी धरना, रोट पे सूत के धूप में नारी करा तारी धरना, दिल्ली का तख्त हम देंगे हिलाया, चार मई के घटना सरकार न कैला, चार मई के घटना सरकार कुछ न कैला, मताई लोगन के कहे कैल ना गिरफ्तार। ए बाबू, ये नारियां पूरे देश में ये वीडियो वायरल हो गया और दिल्ली जंतर मंतर पर धरना देना शुरू कर दी, और धूप में बाबू सारेआम रोड पर सो करके वो नारियां धरना दे रही हैं और न्याय मांग रही हैं सरकार से कि अगर कोई नहीं सुनेगा तो जिस धरा पर धूप में लेट करके, और नारियां वो आकाश की तरफ देख रही हैं, धरती और आकाश के बीच में सारी दुनिया जीती है, हवा उसकी गवाही करती है, और इस विकराल रूप को देख करके वो इस जमाने को बताना शुरू कर दी कि अब हम लोग सत्ताधारी से पूछेंगे, सवाल करेंगे, कहेंगे कुतर आप कुर्सी छोड़ दीजिए। तमाम बाबू वीडियो में आप देखे के मिला था, सभी बहन बेटियां पढ़ी लिखी हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश बोल करके सारेआम जवाब देती हैं, जिसको जैसा मन में आता है एक बात लगाते हैं कि न्याय हमको चाहिए, मैतई के लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए और उनके ऊपर जैसे वो जुर्म कर रहे हैं उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन अब भी सरकार वो तरह से ना कैलस
जेवना से वहाँ की लोगन के संतुष्टि मिले। अब कुकी जात के लोग सोचलन कि हमन के अब ये इम्फाल में उनकी राजधानी है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, वहीं से थोड़ी दूरी पर बाबू मिजोरम राज्य है, उहर के तरफ जाए लगलन। देखें आज ये देश निकाला जैसे काम हो रहा है कि यहाँ पर हम लोगों को अब मैतेई के लोग नहीं रहने देंगे, क्योंकि सरकार भी उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। तब बाबू खड़ी के बात में लिखल गई कि अरे सत्ता के नारी शक्ति का आभास हो जाए, अनिधाराम होई पापिन का सर्वनाश हो जाए। एक बात सुन लो सारे पुरुष वर्ग से, ये मेरा कहना है, ये जंतर मंतर पर धरना दे करके मंदिर पर दिल्ली में ये नारियां कहने लगी कि मात्र एक नारी अपने विचार को प्रदूषित कर लिया, जिसका नाम ज्योति मौर्य था एसडीएम, थोड़ा सा अपना विचार दूषित कर ली तो पूरे पुरुष वर्ग में खलबली मच गई कि ये विश्वास का ये जो धर्म है टूट जाएगा और जीवन नाश की तरफ चला जाएगा। मात्र एक लड़की का करनामा था, और जब इतनी माँ बहन बेटियां मोदी जी जब आपके तख्त पर पहुंच जाएंगी तो आपसे निर्णय लेकर के छोड़ेंगी। तो कहना है कि बदल गया परिवेश वतन का, मानवता दल दल में, टूट रहा समाज का दर्पण, ऐसे लोगों से पल में हो। आज यही से कहल गल की नारी श्रद्धा है, सेवा है, नारी अमृत की प्याली है। अरे नारी लेकिन ज्वाला भी है, वह परम कराली काली है। तो कहना है कैसे कि जुर्म कब तक संयम अपना बर्दाश्त हो पाई, अनिधाराम होई पापिन का सर्वनाश हो जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी, सबकी नजर आपके पे है, आपने नारा लगाया कि अब अच्छे दिन भारत में आएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आपने दिया। एक फौजी की औरत के साथ यही दुष्कर्म हुआ, वो बाल्डर पर कहता है कि मैं बाल्डर पर इस मातृभूमि की रक्षा करता हूं, अपनी नींद को हराम करके पूरे भारत के लोगों की नींद को चैन से सोने के लिए मैं आराम देता हूं। उस फौजी के दुल्हन की यह हरकत हुई कि उसको नग्न वस्त्र करके और उसको गोली मार दिया गया। क्या यही न्याय है? यही मेरा हिंदुस्तान है? सोचना पड़ रहा है। यही से इतना इतना धरना प्रदर्शन मणिपुर की धरती पर होके लागल बाबू, और यहाँ तक कि दिल्ली तक जब नारियां चली आई, पटना तक की नारियां और बेटियां काले से निकल करके काला पट्टा बांध करके अपने सिर पर और जुर्म के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी, तब प्रशासन की नींद टूट गई। कहे के परल कि नींद टूटी प्रशासन की, हुई रेम हेरोदास हुआ गिरफ्तार, बस्ती घर जाकर जर गईल, कैसे होई उपचार हो।
ए बाबू, जब प्रशासन को मालूम हुआ, सरकार को मालूम हुआ कि अरे अब तो अनर्थ होने वाला है, तो जो उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया वो कहने लायक नहीं है। माफ कीजिएगा मुझे, मैं कह नहीं सकता अपने शब्दों से कि वैसा किसी भी दरिंदे के दिल में और जुबान पे और उसके दिमाग में कभी इस तरह की हरकत और हिम्मत ना पड़े कि वैसा घिनौना कर्म करे जैसा हुईरेम हेरोदास ने किया। बाबू इतना ही नहीं, उनके साथ कुकर्म करने के बाद ये नीच पापी उसको गोली भी मार दिए। अरे पापी, तेरी माँ बहन बेटी नहीं है क्या रे? ए बाबू, तब नीच चूटी प्रशासन की, जब नारियां इतना धरना प्रदर्शन देने लगी तो जब नारियों का खौफ देगी सरकार तो उनको गिरफ्तार की, वहां पर ये मांग करने लगी कि वहां के मुख्यमंत्री को रिजाइन दिया जाए, उसको पदच्युत किया जाए। तब बाबू इतना जब डिमांड होके लागल, चारों तरफ हाहाकार मच गए हर प्रांत से। पापी गिरफ्तार हुआ, हुईरेम हेरोदास दिखाया जा रहा है वीडियो उसका कि गिरफ्तार तो हुआ है, लेकिन मैथिली जात के लोगों के साथ क्या सलूक होना चाहिए सरकार निर्णय दे। ए बाबू, यही से कहल गई सब कुछ का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। अब यही हालात के देख के भय की मारे कुकी जात के लोग रास्ता पकड़ लेना केहर का। मिजोरम गए कुकी लोग, अब निवास हो जाए, अनिद हराम होई, पापिन का सर्वनाश हो जाए। ये माँ बहन बेटियों के दिल की बद्दुआ है, चाहे उसको श्राप कह लीजिए, उस मैतेई समुदाय का नाश जरूर होगा समय आने पर। आखिर गाना के अंतिम प्रमाण में कहल गिल कैसे मास्टर कि जय जखाण जद्दू हबीबुल्ला शिवनाथ की फुलवारी, श्री नारायण स्वर्ग सिधारे, लाल जी सुभाष की यारी हो। अरे मानवता सर्वसार हो गई, सतीश गंगा